हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील कृष्णा ऑन सरकारी परीक्षा। सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन लेकर आया हूं, और सभी एक बारी कमेंट कर दीजिए कि सबको आवाज़ आ रही है मेरी। सभी एक बारी कमेंट करें कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो क्लास प्रोसीड करी जाए। और जैसा कि मैंने कहा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन होगा, तेज़ी से क्लास चलेगी और आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन और रूल्स सब बताऊंगा। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि ये चीज़ों को नोट भी कर सकें, ठीक है? तो चलिए सभी देखेंगे पहला क्वेश्चन, और एक बारी कमेंट कर दो कि आवाज़ ऑडिबल है। प्रेम राजपूत, आ जाइए। सभी क्लियर है? सभी को आवाज़ जा रही? और बाकी लोगों को भी आने देते हैं। तब तक चैनल को आप अपने भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्रेम, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए ताकि कॉम्पीट करते समय आपको अच्छा माहौल मिले पढ़ने वाला। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आते रहेंगे धीरे धीरे। तब तक थोड़ी और चीज़ें भी बता दूं। मैं बता दूं, सरकारी परीक्षा पर आपको मॉडल क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन विद आंसर आपको डिटेल मिलेगा, ठीक है? ये क्लास मैं सुनील कृष्णा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। रूल्स, वोकैब और वॉइस का सेक्शन होगा, इसमें स्पॉटिंग एरर के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग अगले एक घंटे में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? कहाँ से शुरू करेंगे? तो शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो है वोकैबुलरी का कौन सा सेक्शन कवर अप होता है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊँ कि ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, SSC CGL को टारगेट किया हुआ है 2022 में। इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन कवर अप होगा। अगर आपको हमारा मॉक टेस्ट या कोई भी कोर्स परचेज करना है, तो आप हमारा कोड लगा सकते हैं SSS10, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा, इंग्लिश की मेरी क्लासेस चलती हैं सुबेरे 1:30 बजे और दोपहर में शाम को 3 बजे भी चलती है। सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सुनील कृष्णा आप लोगों को ढेर सारी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है? याद रखिएगा, हमारा चैनल है काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा, जिसपे रतन सर, अविनाश सर, पीयूष सर, विशाल सर, उमेश सर के साथ साथ और भी बहुत सारे टीचर्स अपने वेटरन एक्सपीरियंस को लेकर सारे सब्जेक्ट की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो बच्चे अभी कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम के समय में, उनके लिए हम लोगों ने ये एक मुहिम चलाई हुई है, जो सारे बच्चों को काफ़ी अच्छे लेवल पर चीज़ों को एक्सप्लेन्ड वे में PDF के साथ अवेलेबल हो रही। तो सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लासेस पहुँचाएँ। याद रखिएगा, मैं सुनील कृष्णा इंग्लिश सेक्शन को कवर अप करूँगा और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, जो कि पैसिव वॉइस वर्ड सेंटेंसेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द पर्सन मोटिवेटेड बाई इरेशनल एंथुजियाज्म, एक पर्सन है जो मोटिवेटेड है इरेशनल एंथुजियाज्म, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है। रतन सर का क्लास में स्वागत है, आ जाइए। दिव्या भारद्वाज, दिव्या हेलो। दिव्या, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रेम, आप भी ध्यान दीजिए, और बाकी लोग जो साइलेंट लर्नर हैं उनको भी मैं कहूँगा एक बार ध्यान दीजिए और बताइए कि ऐसा आदमी जो
एंथुजियास्टिक हो, उत्सुक होता, जोश हो, लेकिन कैसा? इरेशनल, नेगेटिव। इसको हम उकसाना, उकसाया हुआ आदमी कहेंगे। एक होता है मोटिवेटेड, संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखा तो मोटिवेटेड हुए, भड़काऊ भाषण किसी नेता का देखा तो वो इरेशनल एंथुजियाज्म है। इस तरह के भड़काऊपन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोचो बताओ कमेंट में। फैनेटिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेट करो सर, फैनेटिक कहते हैं, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। फैनेटिक के भी और भी सिनोनिम्स हैं, कम से कम 5 सिनोनिम लिखवा रहा हूँ मैं, याद रखिएगा इसको। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे फैनेटिक के लिए बहुत से लोग नहीं जानते तो उनके लिए वर्ड्स मैं बताऊँ, उनको ज़ीलट भी कहा जाता है, इनको बाइगॉट भी कहा जाता है, इनके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है डॉगमेटिक, ऑर्थोडॉक्स वर्ड इनके लिए यूज करते हैं, ऑर्थोडॉक्स। इन्हीं के लिए एक वर्ड है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव माइंड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे शब्दों का मतलब होता है कट्टरवादी, रूढ़ी, केवल कुछ ही चीजों के लिए। जैसे आपने सुना होगा कांग्रेस और बीजेपी को लेकर भी तरह तरह के कटाक्ष कहे जाते हैं, तो उनसे भी संबंधित वर्ड है फैनेटिक, आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड। फैनेटिक, ज़ीलट, बाइगॉट, डॉगमेटिक, कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स, इन सब का मतलब होता है दे आर हाईली मोटिवेटेड, मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म। इज दैट क्लियर? बाकी के वर्ड्स पर भी फोकस करिए और याद रखिएगा फैनेटिक इज अ राइट आंसर, ठीक है। अनइंटरप्टेड व्यू, वाइड, बड़ी सोच, खुले विचार, ओपन विचार, ठीक है। और कैसे? अनइंटरप्टेड व्यू। ये लोग क्या होते हैं? विडो व्यू, पैनोरमा, माइक्रोस्कोपिक, ईगल व्यू, क्या कहा जाता है? अनइंटरप्टेड व्यू, किसी तरह का इसके ऊपर कोई पूर्व धारणा, किसी तरह की प्रिजुडिशियरी कॉम्प्लेक्स या स्टीरियोटाइप या किसी तरह का कोई ऐसा प्रेशर या अंधभक्ति नहीं होती। बड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं, एकदम अनइंटरप्टेड व्यू होता है, कुछ भी सोचते हैं, ठीक है। दे कैन टॉक अबाउट द सेक्स इवन ऑल्सो। तो ऐसे लोग जैसे ओशो, अनइंटरप्टेड व्यू, वाइड व्यू, एकदम ओपन विचार। तो इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या यूज करेंगे, जल्दी बताइए। दिव्या, सुमेधा, प्रेम, आंसर दीजिए, कमेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों के। तो मैं बताऊं राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पैनोरमा। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता है पैनोरमा। जब आप कभी एक चीज़ के स्टिल फोटो खींचते हो तो केवल एक फ्रंट वॉल आती है, लेकिन अगर पैनोरमा मोड पर करो तो आप मोबाइल ऐसे पकड़कर ऐसे पूरे कमरे का वीडियो एक क्लिप में बना सकते हो और वो फोटो होती है, वीडियो नहीं होता। पैनोरमा मतलब वाइड व्यू, अनइंटरप्टेड व्यू। तो उसी के बेसिस पर याद रख लो, बहुत ईजी है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। पैनोरमा इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ द गैसेस। देखो गैस में भी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़े दूर होते हैं और गैस में भी थोड़ा प्रेशर होता है, सिलेंडर फट जाना इज एग्जाम्पल ऑफ इट। एक दरवाजे को तेजी से खींचो तो खिड़कियां भड़बड़ाने लगती हैं, तो एयर में भी प्रेशर होता है, गैस में भी प्रेशर होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम गैस का प्रेशर या एयर का प्रेशर नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर, एनेमोमीटर, माइक्रोमीटर या नैमोमीटर, मैनोमीटर। गैस के प्रेशर को नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जल्दी बताइए सभी फास्ट। सुमेधा, प्रेम, दिव्या, क्या बोल रहे हैं?
बैरोमीटर तो एयर प्रेशर होता है। हाँ, अब गैस भी एयर ही तो है, सही से देखा जाए तो बैरोमीटर होना चाहिए था। एनेमोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर का तो चांसेस नहीं है, मैनोमीटर भी हो सकता है। एक ऑप्शन तो इलिमिनेटेड है। अब बाकी लोगों का ऑप्शंस देखूं जरा, किसने क्या कहा। सबने बैरोमीटर कहा, प्रेम ने और सुमेधा ने दोनों ने बैरोमीटर कहा, तो दैट इज रॉन्ग, मैनोमीटर होता है। देखो, अगर मैं एयर प्रेशर पूछता, ठीक है, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता, तब हम बैरोमीटर यूज़ करते। इसने पूछा था गैस का, गैस के लिए मैनोमीटर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एंड द गैसेज इज नोन एज मैनोमीटर। सिलेंडर का प्रेशर नापना है, मैनोमीटर से नापेंगे, बैरोमीटर से नहीं नापेंगे। कॉमन सेंस है यार, एक मैं कह रहा हूँ केमिकल एलपीजी भरी जा रही है किसी कंटेनर में या टैंक में, ठीक है, तो वहां पर आप बैरोमीटर लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाना था। बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग फॉर द एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एनेमोमीटर क्या होता है सब जानते हो, अ गॉज फॉर रिकॉर्डिंग द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। एनेमोमीटर क्या करता है? हवा की दिशा और उसकी स्पीड नापने के लिए होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है, उसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ऐसी चीजें जो शब्द बयां नहीं कह सकते, इनडेलिबल, इनइफेबल, इन ग्रेट, इनएक्सोरेबल। सोचकर बताइए किस पर टिक लगाएंगे। सभी फास्ट आ जाइए, कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी आ जाइए। यार वो क्लास डिस्टर्ब हुई थी उसके लिए सॉरी, बट नेटवर्क इंटरफेरेंस में या नेटवर्क ग्लिचेस में मेरा कोई रोल नहीं रहता। मैं आपके सामने अधिक से अधिक खड़े होकर आपको चीज़ों से अवगत करा सकता हूँ, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी से या इंग्लिश की कोई ऐसी ग्रामर की रूल्स या वोकेबलरी। तो कुछ जगहों पर आप लोगों का कोऑपरेशन की और हेल्प की ज़रूरत होती है। यार मैं ये कह रहा हूँ, पिक्चर खरीदे रहते और पिक्चर में टेक्निकल इशू आता, पिक्चर छोड़ कर चले जाते, नहीं करते ना ऐसा, ऐसा धोखा दिया आज आप लोग, दिल तोड़ दिया हमारा। क्या होगा? इनफेबल पर टिक लगाया है सुमेधा ने, बाकी प्रेम, कैरेमिनाटी और दिव्या ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। सोचिए और बताइए। तो राइट आंसर होगा इनफेबल, बिल्कुल सही है। इनफेबल क्या होता है? टू ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। देखो, कुछ चीजें जो काफी सुंदर होती हैं, उसको अगर आप शब्दों में न बयां कर पाए तो उसके लिए ये वर्ड आता है इनइफेबल। इनइफेबल समझो, सुबेरे उठे, बहुत अच्छी भोर थी, बहुत अच्छा कोहरा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आपको, चिड़िया की आवाज़। अब आप उसको कहकर किसी को कैसे ही बता सकते हो, जब तक वो आदमी सुबेरे उठकर ना देखे वो उस नज़ारा। तो ऐसी चीज़ें जो शब्दों से बयां नहीं होती, उसकी अच्छाई, उसको हम बोलते हैं इनइफेबल। अब बताओ इनडेलिबल क्या होता है? तो दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड या इरेज्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। इन ग्रेट क्या होता है? जो लोग किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, हमने उनकी मदद भी कर दी तो वो सॉरी या थैंक यू बोले बिना आगे चले जाते हैं। इन एक्सोरेबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, चेंज्ड या रेटेंटलेस, जो चीज रोकी नहीं जा सकती। तो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इनको भी नोट कर लो, इनका स्क्रीन शॉट खींच लो, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहना है ध्यान से देखिएगा। चैनल को शेयर करो, क्लासेस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। हमारा टारगेट होता है कि हमने इतनी मेहनत करी है, प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए कंटेंट्स और विथ एक्सप्लेनेशन, और वो कौन सा वर्ड है इसके बारे में भी देखो, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन बता रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा। तो थोड़ा सा मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी कॉपरेट करिए और चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करिए। चलिए आगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेग्रेंट प्लांट मटेरियल used to provide a gentle natural scent inside buildings, especially in the residential settings. यार क्या कहते हैं उसको? पेड़ पौधों से बनाया हुआ ऐसा सेंट, सेंट क्या होता है जो महक में काफ़ी अच्छा होता है, सुखा कर नेचुरल फ्रेग्रेंट प्लांट वगैरह से बनाया गया, नेचुरल खुशबू के लिए। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कार ओर में भी ओडोनिल या ऐसी चीज़ें बाथरूम में भी लगाई जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पटपौरी, परफ्यूम, सेंट, अरोमा, क्या कहते हैं? सोच कर बताइए। कैरी मिनाटी में अच्छा हो,
क्या आंसर लगाया इसके? तो बिल्कुल सही आंसर है, आंसर होगा पॉटप्यूरियम, पॉटप्यूरी जिसको कहते हैं। याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ द ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स। लेकिन अरोमा क्या होता है तो बताएंगे, प्लीजेंट एंड ए नोटिसेबल स्मेल। अरोमा एक तरह की खुशबू होती है, ठीक है, स्मेल, फ्रेग्रेंस को अरोमा कहते हैं, ठीक है। और पॉटप्यूरी जो होती है एक तरह से केमिकली या फिर नेचुरल तरीके से फूलों को सुखा कर बनाई हुई एक स्मेल करने वाली जो है लिक्विड होती है, जिसको हम परफ्यूम या सेंट भी कहते हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर वर्ड इसके इसमें पॉटप्यूरी आता है। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, बहुत स्पेशल वर्ड है ये। चलें आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत अच्छे सुमेधा, सुमेधा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लिटरली हर बार। चलिए, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें रखना इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, कि ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, देखने में आकर्षक लगे। साइनोसोर बना रहे हैं, साइनोसोर का मतलब होता है अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सिट फॉर अ पोर्ट्रेट, रेंडर्स प्रेसिसली, ठीक है, या फिर जक्स्टापोज या फिर फ्रेमिंग। बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, देख कर आइए, सोच कर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लीजिएगा।
मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही? Am I audible, everybody? कुछ जक्स्टापोज होता, ठीक है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो टेक्निकल ग्लिचेस थे थोड़े, ठीक है? अभी क्लियर है सभी को? प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट इज नोन एज जक्स्टापोज। तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, प्लेस साइड बाई साइड, जक्स्टा पोज ऐसे सजाया जाता है, एक सजाने का तरीका होता है। खैर चलो आओ, स्टडी ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स की स्टडी करते हैं। बताइएगा, इरेमोलॉजी, आइटमोलॉजी, एथोलॉजी या एथनोलॉजी, किस पे टिक लगाओगे? जल्दी से, फास्ट स्पीड बढ़ाएंगे सभी। इंडियन एयरफोर्स वाले आ गए हैं, जक्स्टा पोज पे मारे हैं टिक। सुमेधा और प्रेम राजपूत ने गलत कर दिया, कोई नहीं। कैरी मिनाटी आंसर दीजिए, कैरिबिनाटी आंसर दीजिए। हम लोग पैसिव वॉइस की तरफ मूव करेंगे 5 मिनट के अंदर, मुश्किल से 10-5 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्टडी ऑफ कल्चर्स इज नोन एज, तो बताएंगे राइट आंसर होगा स्टडी ऑफ कल्चर्स को, एथनो, एथिक्स से बना हुआ है ना, एथनो, एथनोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंड कंपेरिजन बिटवीन द ह्यूमन रेसेस, एथनोलॉजी कहा जाता है। इरेमोलॉजी क्या होती है एक बार देख लीजिए, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द डेजर्ट फीचर्स एंड द फिनोमेना। डेजर्ट फीचर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इरेमोलॉजी कहते हैं। आइटमोलॉजी क्या होती है, जब हम बात करते हैं वर्ड्स के ओरिजिन की। या एथोलॉजी क्या होती है देख लीजिए एक बार, द ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स में उनका कैसा बिहेवियर है उसको बोलते हैं एथोलॉजी। एथोलॉजी और एथनोलॉजी में अंतर है। एथनोलॉजी जो हो जाती है, दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, या फिर आप कह लो दिस इज द स्टडी ऑफ देयर कल्चर, जो कि मनुष्यों से संबंधित। मेरी बात सबको समझ आई? एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये सारे याद भी हो जाने चाहिए। द वन पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। चेयर हटा देते हैं, रितेश श्रीनिवास जी अब सही दिख रही है? ओके, नाउ गॉट इट? चलो करो बताओ। वन पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, एक आदमी बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसको कन्वर्सेंट बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, टकटिव बोलते हैं, कि ओरेटर कहते हैं। तो यार अभी मैंने बताया था मेनी मतलब बहुत सारी, पॉली भाषाओं को बोलते हैं ग्लॉट, पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। अभी मैंने इसके पहले भी ये वर्ड दिया था आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, एक बड़ा अच्छा वर्ड है कन्वर्जेंट, एक बड़ा अच्छा वर्ड है। इसको लेकर अगर आप मीनिंग नहीं जानते तो मैं बता दूं, कन्वर्जेंट का मतलब होता है नोइंग अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ जानता है थोड़ी बहुत चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly, आपने कभी देखा होगा भड़काऊ उग्र लंबा भाषण कभी कभी असेंबली में बहुत सारे नेता ने दिया हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हुल्ला बल्लू, कैकोफोनी, पैंडीमोनियम, हैरेंग, किस पे टिक लगाएंगे? हैरेंग के से मिलता जुलता वर्ड है वेहमेंट, बोस्टरस होता है ना, तो बताओ मुझे क्या वर्ड लगाया जाए भड़काऊ भाषण के लिए। ठीक है, गुड आफ्टरनून विदित, आ जाओ विदित फास्ट।
क्या लगा है? ठीक तो बताएंगे सर, वहरेंग या वहमेंट को ही हम भड़काऊ भाषण कहते हैं, इसको नोट कर लो कहीं पर, ठीक है। हुल्ला बल्लू क्या होता है समझो? हुल्ला बल्लू का मतलब होता है डिस्टर्बेंस यूजुअली इन प्रोटेस्ट, जब आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे होते हैं, जैसे मान लो पार्लियामेंट में हम लोग किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, या ताली बजा कर, या पीट कर, या चिल्ला कर, या हल्ला करके, एक हल्ला जैसा माहौल बन जाता है विरोध करने के लिए, तो उसको हम हल्ला हल्ला गुल्ली कहते हैं ना, तो हल्ला बल्लू याद कर लो। कैको मतलब बुरा, फोनी मतलब आवाज़, जिसकी आवाज़ बहुत ही गंदी और स्क्रीचिंग आवाज़ हो या बहुत ही हार्श आवाज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कैको। पैंडेमोनियम एक बड़ा अच्छा वर्ड है, देखो, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। कभी कभी आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है तो उसको हम पैंडेमोनियम कहते हैं, ठीक है, अच्छा वर्ड है। अगला अगला क्वेश्चन, लियबल टू बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, ट्रांसलूशेंट, ब्रिटल, अनहेल्दी या ओपैक, क्या होना चाहिए था? जल्दी बताओ, फास्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, सभी सभी कोशिश करें और बताएं। Liable to be easily broken. क्या होगा? तो जो चीज आसानी से टूट जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं brittle, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं fragile। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बताइए मुझे। अगला वर्ड दिखा रहा हूं तब तक मैं। ये क्वेश्चन क्या, अ रूम और बिल्डिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के प्रिजर्वेशन के लिए एक बिल्डिंग होती है, जरा बताइए, नर्सरी बोलते हैं क्या उसको, या जहाँ पौधे रखे जाते हैं उसको तो नर्सरी कहते हैं, इतना तो जानता था मैं। अब बताओ, ऐसी बिल्डिंग, प्लांटेशन, फॉर्म यार्ड, ग्रीन हाउस या प्लांटेन, किस पर टिक लगाया जाए, किस पर टिक लगाया जाए, जल्दी कमेंट करो फास्ट। ब्रिटल तो हो गया, वो सही है, ब्रिटल के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड भी आता है, उसके लिए मैंने बताया था ना काफ़ी, प्लांटेशन, तो ग्रीन हाउस कहते हैं जहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है, प्लांटेशन मतलब प्लांटिंग करने को कहते हैं, आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था, ठीक है। अ लार्ज एरिया और लैंड दैट प्लांटेड विद द ट्रीज टू प्रोड्यूस वुड, प्लांटेशन बोलते हैं। फॉर्म यार्ड अलग होता है, प्लांटेन देखो बड़ा अच्छा वर्ड है, अ फ्रूट लाइक लार्ज बनाना बट लेस स्वीट दैट इज कुक्ड एंड ईटन एज अ वेजिटेबल, बहुत अच्छा है प्लांटेन, खाने लायक फल जो सब्जी जैसा खाया जाता है, फ्रूट्स एज वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन।
तो उसको बोलते हैं प्लैनेट। याद रखना बहुत अच्छा वर्ड था। ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 वाला पढ़े होंगे कभी, ग्लोबल वार्मिंग का भी तो कॉन्सेप्ट यही है। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ ढेर सारी मछलियां तैर रही, बताइए क्या वर्ड होना चाहिए था इसके लिए। सभी प्रेम, सुमेधा, विदित, बाकी लोग भी अगर हैं इंडियन एयरफोर्स आंसर दीजिए। जितेश चेयर हटवा के चले गए। कैरी मिनाटी, दिव्या, क्या टिक लगाया? तो बताएंगे कि जो मछलियाँ ग्रुप में जो मछलियाँ तैरती हैं उसको स्वार्म कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो शोल भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रूप किसको कहा जाता है? डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है, डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। स्वार्म मछलियों का और चूंटियों का भी होता है। शोल अगर आप मछलियों के लिए लगा रहे हो तो शोल लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। स्कूल या शोल दोनों वर्ड यूज किया जाता है। तो सही से देखा जाए तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए था। आइए देखते हैं कमीशन ने क्या आंसर बताया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, शोल जो होता है मछलियों के ग्रुप को कहते हैं, ट्रूप जो होता है वो डांसर्स एक्टर्स के ग्रुप को कहते हैं, लिटर जो होता है नंबर ऑफ द बेबी एनिमल्स दैट वन मदर गिव बर्थ टू द सेम टाइम, पपीज, ठीक है, लिटर एक साथ ढेर सारे बच्चों को जन्म देना, ठीक है। स्वार्म क्या होता है? तो मैंने कहा ना कि ग्रुप ऑफ द इंसेक्ट्स, जैसे कि चींटियां हैं या जानवर इंसेक्ट्स के झुंड को स्वार्म, ग्रुप ऑफ स्वार्म्स कहा जाता है, स्वार्म्स ऑफ एंट कह सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। लड़कियों के ग्रुप को लिख लीजिएगा बेबी कहते हैं, बाल के गुच्छे को लॉक कहते हैं, रजाई गद्दों को पाइल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पेड़ों के झुंड को हम जो है वो बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। तारों के झुंड को गैलेक्सी या कॉन्स्टिलेशन, अलग अलग झुंडों के अलग अलग नाम होते हैं। तो वही चीज़ ये बता रहा हूँ, मछली के झुंड को शोल कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इज टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, मीटिंग में जब कभी भी होती है आप लोगों ने देखा होगा कि ढेर सारे लोग लिस्ट बना कर रखते हैं कि इन इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है, ऑफिशियल मीटिंग ऐसी ही होती है। आइए कैरी मिनाटी आंसर दीजिए। नहीं, स्वाम नहीं होगा, शोल होगा मछलियों के लिए, ठीक है। विदित कैरी मिनाटी, प्रेम, सुमेधा, विदित, दिव्या आंसर दीजिए, इंडियन एयरफोर्स भैया आंसर दो, जितेश, सत्येंद्र यादव, एजेंडा, वेरी गुड, क्या बात है। याद रखिएगा मीटिंग्स में जो डिस्कशन करते हैं उसको एजेंडा ही कहते हैं। एजेंडा एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है एजेंडम, मेरी बात समझे? एजेंडा एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है एजेंडम, तो राइट आंसर एजेंडा होगा। ये अगला क्वेश्चन, अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड्स, ऐसा फिगर जिसमें ढेर सारे एंगल्स और साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन, ऑक्टागन, पॉलीगॉन या पेंटागॉन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मुझे तो सारे से ही लग रहे, बट बताओ एक प्रॉपर वर्ड होगा जिसमें, सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिए, सभी कोशिश करिए फास्ट। क्या आंसर दिया? अरे जबरदस्ती का, सुनो, अगर लिखा रहता 6 तो हम हेक्सा लगाते, अगर लिखा रहता 8 तो ऑक्टा लगाते, तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट गया क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया। इसमें मेनी लिखा है, मेनी को पॉली बोलते हैं, तो पॉली, पेंटा मतलब 5, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है कि सी होगा, इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं, पॉलीगॉन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिस विथ एन विथ अ सैलरी बट नो वर्क, वाह, देखिए ऐसी जॉब जिसमें सैलरी तो होती है लेकिन लगभग न के बराबर काम होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर पायलट की नौकरी देखो तो यार असिस्टेंट पायलट या को पायलट या पायलट जो होते हैं करते क्या है? ऑटोमेटिक जहाज प्लेन उड़ता है, ऑटोमेटिक जो है वो लैंड होता है, आजकल का ऑटोमेटिक का जमाना है, ठीक है। तो ठीक से देखा जाए तो इनकी जॉब में बहुत कम मेहनत और बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इस तरह की जॉब इजी चेयर जॉब कही जाती है, याद रखिएगा, इसको हम इजी चेयर जॉब भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसने ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए था कि नो वर्क, लेस वर्क लिखना चाहिए था, ठीक है।
तब आप समझते कि बहुत आराम से बैठी हुई जॉब जिसमें पैसा आता रहता है उसको ऑनररी कहते हैं, सिनेक्योर कहते हैं कि इंसॉल्वेंट कहते हैं कि या सिनोस कहते हैं। तो मैं बता दूं उसका सही आंसर होगा सिनेक्योर कहा जाता है, नहीं ऑनररी नहीं होता, गलत है, आप लोग शायद नहीं जानते, ऑनररी नहीं कहा जाता उस, उल्टा आप बोल रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा जरा इसको सब लोग ध्यान से। ऑनररी वो होता है कि मान लीजिए आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल जॉब किया, 5 साल जॉब करने के बाद, या फिर आप कहीं कर्नल लेफ्टिनेंट थे, रिटायर हो गए, 60 साल पूरी कर लिया, अब आपको किसी स्कूल का अध्यापक और या फिर ऑडिटर बना दिया गया या फिर प्रिंसिपल बना दिया गया, अब आप पैसा नहीं लेते केवल सम्मान के लिए, या आप चाहते हो कि हम भी किसी काम में इन्वॉल्व रहें, नो सैलरी बट जॉब इज नोन एज ऑनररी। बट माई क्वेश्चन वॉज कि नो जॉब बट सैलरी, तो वो हो जाएगा सिनेक्योर, इसी को कहते हैं इजी चेयर जॉब। गवर्नमेंट जॉब ज़्यादातर ऐसी होती हैं, प्राइवेट में तो मेहनत, प्राइवेट में बहुत मेहनत होता है। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं तो सब जानते हो, जो एकदम बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट हो गया है उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया सुने होंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। देखो एक बड़ा अच्छा वर्ड दिया सिनुअस, देखो इसका मतलब क्या होता है, याद कर जाना, टर्निंग वाइट मूविंग इन एन एलिगेंट वे हैविंग मेनी कर्व्स, देखा होगा ट्विस्टिंग एंड टर्निंग का कई सारा वो जिमनास्टिक में वीडियो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइंस, बुलियंस के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, निम्फोमैनिया, बहुत गंदा वर्ड है, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमेरोलॉजी या न्यूमेरिक, क्या टिक लगाया जाए जल्दी बताओ फास्ट। निम्फोमैनिया सुने होंगे, सेड्यूसिव वर्ड है, क्या दिया, क्या क्या देखा आप लोगों ने, क्या आंसर दिया, ना 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 निम्फो पे तो नहीं टिक लगाना था, न्यूमिस्मैटिक बिल्कुल सही है, वेरी गुड, याद रखिएगा निम्फोमैनिया एक्चुअली सेक्स से रिलेटेड होता है, इसको समझिएगा कि ठरकपन सुने होंगे कभी, बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने वर्ड यूज किया होगा, व्हेन समवन इज लिटरली वेरी सेड्यूसिव दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम निम्फोमैनिया। ठीक है, किसी को सेड्यूस करना या सेड्यूस्ड होना, इस बीमारी को हम निम्फोमैनिया कहते हैं। न्यूमिस मतलब होता है सिक्के, न्यूमिस्मा मतलब होता है सिक्के, तो जब हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी जानते हैं, वो शब्दों अंकों का अध्ययन होता है, न्यूमेरिक्स से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड क्या गया, बड़ा अच्छा वर्ड है, देखिएगा, वन हु हेट्स वुमन, जो औरतों से घृणा करता है, जल्दी बताइए फास्ट, क्या आंसर ट्रिक लगाया इस, जो औरतों से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं, तो घृणा करने को मिसो बोलते हैं, औरत को गायनी बोलते हैं, पिछली क्लास में, कल वाली परसों वाली क्लास में, या आपने देखा होता तो मैंने रूट वर्ड्स इसीलिए पढ़ाया था कि मिसो, एंड्रो, गायनी, गैमी, ठीक है, कैको, फोनी, सारे वर्ड्स लिखवा कर याद कराए थे, मेरी पिछली क्लास अगर देखे होते तो गलत नहीं होता। तो मिसो गायनिस्ट जो स्त्रियों से घृणा करता है, मिस मतलब घृणा करने वाला, एंथ्रोप मानव जाति से घृणा करने वाला, फेमिनिस्ट जो स्त्रीवादी होते हैं, इफेमिनेट क्या होता है, जो हर समय स्त्रैण हरकतें करता है, देख लीजिए, लुकिंग एंड बिहेविंग और सराउंडिंग लाइक अ वुमन और अ गर्ल, औरतों से घिरा रहने के कारण वो औरतों जैसी हरकतें भी करता है, कि देखा होगा कई बार डांसर्स वगैरह जो होते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वेस्टर्न डांसर्स हो, वो लेडीज डांस
डांसर्स मतलब कोरियोग्राफी करते करते लेडीज़ जैसी उनकी एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, ठीक है, तो वो उसमें उनका गलती नहीं है, उनकी गलती ये है कि वो लेडीज़ डांस क्यों सिखाने गए थे, उनके अंदर वो स्त्रैणपन आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं इफेमिनेट। फेमिनिस्ट क्या होता है, जो लोग हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में बोलते हैं, लड़कियों के फेवर में बोलते हैं, उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। मिसएंथ्रोपिस्ट जो मानव जाति से घृणा करता है जैसे हिटलर, और मिसोगाइनिस्ट जो औरतों से घृणा करता है जैसे साइको किलर, भूरी आंख वाली धोखेबाज लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। भूरी आंख वाले लोग तैयार हो जाए। नेक्स्ट, नारियों जैसा, वेरी गुड, बहुत पता है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सभी। वुमन विथ डार्क ब्राउन हेयर, ऐसी औरत जिसके काले घने सॉरी भूरे बाल हों, इसको ब्लॉन्ड कहते हैं कि फिलोगाइनिस्ट कहते हैं, ब्रनेट कहते हैं या डोटार्ट कहते हैं। बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा आप लोग ये सारे पोइटिक वर्ड्स भी जानिए। एक्चुअली जो है ये एक बहुत अच्छा पोइटिक वर्ड है, इसमें अपनी गर्लफ्रेंड को बताने के लिए पोएट्स ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। वैसे भी रशियन लड़की होती है ये। तो ब्लॉन्ड कैसे कह दिए यार, कैसे करते हो, मुझे तो ऐसा लगा ब्रनेट, मैं रहता तो ब्रनेट पर टिक लगाता। आइए चलिए देखते हैं किसका सही है। तो ब्रनेट बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा, वाइट स्किन लड़की लेकिन ब्राउन हेयर, ठीक है। ब्लॉन्ड क्या होती है, गोल्डन हेयर, ठीक है। फिलो मतलब होता है लवर, गाइनिस्ट मतलब होता है स्त्रियों से प्रेम करने वाला, कृष्ण भगवान। डोटार्ड कौन होता है, समवन हूज एज हैज इम्पेयर्ड, ठीक है, इंटेलेक्ट, हैज इम्पेयर्ड इंटेलेक्ट, मतलब उसकी उम्र कुछ और है लेकिन उसका इंटेलेक्चुअल पावर कुछ और है, तो उसको डोटार्ड कहते हैं, ठीक है। तो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड से याद कर जाइए। मैं कह रहा हूँ कि आपने पीले बालों वाली लड़की देखी, मान लो लूसी ग्रे, शी हैज अ पेल हेयर, तो हम बोलेंगे शी इज अ ब्लॉन्ड। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ ब्राउन हेयर, मैंने गार्नियर लगा लिया, तो ऐसी लड़की को क्या बोलेंगे, ब्राउन से ब्रनेट बना हुआ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जो लोगों की उम्र उनकी इंटेलिजेंस से मैच नहीं खाती, डिफरेंस होता है उसमें, उसको बोलते हैं डोटार्ड। ठीक, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स लाइफ में जुड़ रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, जिंदगी की सबसे पहली स्पीच दी आपने, उसको इंट्रोडक्टरी स्पीच कहेंगे कि मेडन स्पीच, कंक्लूडिंग स्पीच या इनिशियल स्पीच, क्या कहा जाएगा, जल्दी से टिक लगाइए और बताइए मुझे। क्या टिक लगाया, मेडन स्पीच इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, जिंदगी की सबसे पहली स्पीच को मेडन स्पीच कहते हैं, और स्पीच विदाउट प्रिपरेशन होता है, अगर स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के स्पीच को एक्सटेम्पोर कहते हैं, इसी को इम्प्रॉम्प्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जब बिना तैयारी के कोई स्पीच देने खड़े हो जाता है, मान लो इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ दिया कि 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ, कोई प्रिपरेशन नहीं आपकी, जो पता है जल्दी से बताना है, उसी को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्ट, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। जिंदगी में सबसे पहली बार आपने कभी खड़े होकर किसी स्टेज पर स्पीच दी होगी, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। मेरी बात समझे, कुंवारी लड़की को भी मैडन कहा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, स्पिंस्टर कहा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, कुंवारी लड़की को हम लोग स्पिंस्टर या मैडन भी कहते हैं। चलिए अगला वर्ड, वन पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस,
वो पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, किसी एक पदार्थ पर डिपेंड करता है, वो क्रिमिनल होगा, शहीद होगा, ग्लैडिएटर होगा, या एडिक्टेड होगा. मान लो मैं दारू, फिजिकली डिपेंडेंट चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करो, जल्दी बताओ. क्लियर है? अडिक्ट. देखो जैसे ही मैंने दारू बोला, सारे जो है ठेकेबाज जाग गए. इंडियन एयरफोर्स वाले भी बता रहे हैं कि अरे सर ये तो हमारा रोज का काम है. विदित कुमार श्रीवास्तव, देखो सबको पता है, वाह क्या बात है, ये सब लड़के अपने देश के हैं, यही सब बनेंगे अधिकारी, देखना. अडिक्ट होगा सर, ये सब तो हम लोग गलत नहीं करते सर. ग्लैडिएटर क्या होता है पूछते हैं, वो तो नहीं पता सर हमें, लेकिन हाँ अडिक्ट होता है ये पता है. ग्लैडिएटर अ मैन होता है टू फाइट विथ एनिमल्स एंड अदर मैंस फॉर द इंटरटेनिंग टू द पब्लिक. देखो कभी पिक्चर देखी होगी मोहन जोदड़ो, यार मोहन जोदड़ो बोलने में ऐसा तो नहीं लग रहा कि गाली दे रहे, ठीक है. मोहन जोदारो, जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं वो मोहन जोदारो बोलते हैं, ठीक है. हम लोग क्या बोलते हैं, मोहन जोदड़ो, ठीक है. याद रखिएगा उसमें ऋषि क्या नाम था हीरो का, ऋतिक रोशन फाइट करता है एक दो आदिवासियों से, तो वो फाइट पब्लिक के इंटरटेनमेंट के लिए होती है. तो उस तरह के फाइटर को ग्लैडिएटर कहा जाता है. इस पर एक पिक्चर भी आई थी, कभी देखिएगा. पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए जब आप फाइट करते हैं तो उसको ग्लैडिएटर कहते हैं. एक ओपन फील्ड में फाइट होती है, WWF जैसा नहीं होता, ठीक है, कुश्ती दंगल जैसा. और ये नो रूल्स, ठीक है, कोई रूल नहीं होता इसका. यू कैन हिट बिलो द बेल्ट ऑल्सो. नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट वर्ड, एक्टिव पैसिव शुरू हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म. लास्ट के 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए तैयार हो जाइए. सभी कमर कस लो, 10 क्वेश्चन तेजी से आपके सामने जाएंगे. रेडी? अरे इंडियन एयरफोर्स, लेकिन पैशन आपका एयरफोर्स में दिख रहा है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैं फिर से बता दूं आपको. पैसिव वॉइस बनाने का चार्ट पता होना चाहिए. एक बार ही अभी 11:30 वाली क्लास में बताया था, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिव पैसिव से संबंधित. द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन. जल्दी बताइए आंसर, फास्ट. क्या आंसर दिया, सभी बताइए. तो बताएंगे यार, देखो सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा आंसर था. आपको हमेशा से चीख चीख कर सिखा रहा हूँ मैं इतने दिन से, कि इलिमिनेशन प्रोसेस से ये आंसर सही हो सकता था. कैसे हो सकता था समझिए. बैंडेज मतलब V2 मतलब क्या हो जाता है, वॉज वर. तो इसमें वॉज है, इसमें नहीं है, इसमें भी वॉज नहीं है, इसमें भी वॉज नहीं है. तो द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज्ड बाई द डॉक्टर. V2 वॉज वर में बदलता है. सीधा सीधा चार्ट आपको पता था, एक नंबर का क्वेश्चन था, आपने आसानी से उठा लिया क्योंकि बाकी तीनों में कहीं वॉज नहीं लग रहा. राइट आंसर है ए, सीधी बात. द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज्ड बाई द डॉक्टर. बिल्कुल सही है विदित. अगला क्वेश्चन, आई शैल राइट अ लेटर. सोचो बताओ, वर्ब के सबसे नियरेस्ट वर्ड है मोडाल्स, शैल. किसमें बदलना चाहिए था, चार्ट कहता है कि शैल बी या विल बी में बदलना चाहिए था. अब जहां पर शैल बी विल बी दिखे आंसर लगा दो. शैल को इसमें बदल नहीं सकते, शैल को हैज में बदल नहीं सकते, शैल को हैज में बदल नहीं सकते. इलिमिनेट कर दिया तीन ऑप्शंस, यही एक बचा. हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, हमारा एक नंबर निकल गया. 30 सेकंड के अंदर अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तब जाकर आप कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं. एक्टिव पैसिव नरेशन और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं मेरे पास जिनको मैं आसानी से बता दूं, आपके आंख के सामने करके दिखा रहा हूं. कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, इलिमिनेशन प्रोसेस, एक चार्ट याद रखना है बस. देखो सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. ऑल हिज मेंट्स लॉफ्ड एट हिम
लॉफ्ट v2 मतलब वॉज वर्ड से बनना चाहिए था, जल्दी बताओ फटाक से कौन सा आंसर सही होगा। तो यार कॉमन सेंस से सही कर देते। देखो मैं बताता हूँ, इतने देर में आंसर आ जाना चाहिए था। वॉज वर्ब किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अच्छा वॉज वर्ब तो सब में आ गया। तो पहली चीज की इसमें कहीं ing नहीं है तो बींग वाला ऑप्शन कट जाएगा। चलो दो ऑप्शन कट गए। लॉफ्ट के साथ एट लगा है, इसमें लॉफ्ट के साथ एट नहीं लगा, ये ऑप्शन भी कट गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिव्या शर्मा बहुत अच्छे, कोमल आज बहुत देर में आई, प्रेम विदित इंडियन आर्मी, ठीक है सभी का क्लियर है। आगे बढ़े, सुमेधा आंसर दे रही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो इट इज बीइंग रेड बाय अस, ये खुद ही पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। चलो बनाओ जरा फटाक से, तो जल्दी बताओ इसको एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस, यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्टिव। इट इज बींग रेड बाई अस, तो वी आर रीडिंग इट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आई एन जी इसमें है तो आई एन जी इसमें भी होना चाहिए था, बाकी किसी में आई एन जी नहीं है इसलिए बाकी तीनों इलिमिनेट हो गए। सी कॉमन सेंस ऑलवेज आई यूज द वर्ड वी आर रीडिंग इट। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें आई एन जी था तो पैसिव में भी आई एन जी होगा, केवल एक में आई एन जी था, बाकी तीनों में ऑप्शंस में आई एन जी कहीं नहीं, तो और स्पीड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी बाई द ज्यूरी, इट इज ऑल्सो इन अ पैसिव वॉइस फॉर्म, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस। ट्राई टू डू इट फास्टर एंड विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन प्रोसेस। चलें मैं बताऊं यार, देखो वॉज फाउंड गिल्टी है तो वी टू से बनना चाहिए था। वी टू कहाँ है? वी टू ये है नहीं, इसमें फाउंड है नहीं, दो ऑप्शंस तो हमने हटा दिए। दूसरी बात कि ये वी टू से बनना था, वॉज हट जाना चाहिए था क्योंकि वॉज फाउंड को ही तो वी टू बदले, तो वॉज इसमें है ये तो हट जाएगा। तो मैं रहता तो ऑप्शन सी पर टिक मारता, इलिमिनेशन प्रोसेस से एक नंबर उठा ले जाता मैं। The jury found the convict guilty. बहुत अच्छे कमल, विदित बहुत अच्छे, नाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Elimination process. The Greeks expected to win the international trophy. V2 again. Active voice को convert कर दो passive voice में, जल्दी बताओ। V2 again. Was वर आना चाहिए था। सोचो। Eliminate कर दो आंसर हाथ में, जल्दी। चले इलिमिनेशन में V2 वॉज आना चाहिए था, इसमें कहीं वॉज नहीं है, वुड है कट जाएगा, इसमें विल है कट जाएगा, इसमें वुड है कट जाएगा, वॉज इसमें था इसलिए ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वॉज इवनिंग, हैड डिस्क्लोज्ड, सोचो और लगाओ रूल जो चार्ट मैंने याद दिलाया था, जल्दी से। प्रेम, कोमल, विदित इंडियन एयरफोर्स, बाकी दिव्या शर्मा आंसर दीजिए। एक एक बार सब आंसर देकर चले जाते हैं, साइलेंट लर्नर हो जाते हैं, खाते खाते तो काम पढ़ाई हो रही है, एक तो बहुत बेइज्जती है हमारा।
प्यार से पूछ रहे हैं बता दो, वरना थप्पड़ मार कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब डिजिटल थप्पड़ ईजाद करें हम लोग, अब यूट्यूब से एक गुहार लगाए हैं कि जो बच्चे गलत करें उनको गलत बटन दबाने या गलत कमेंट करने पर मोबाइल में से एक प्रकार का करंट रूपी थप्पड़ निकले और मुंह पे पड़े पटाख, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर लगाइए, आजकल के टीचर ऑनलाइन पीट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हैड है तो हैडबीन होना चाहिए था, हैडबीन कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है हैडबीन। तो फाइनल आंसर ये लगाकर मैं आगे बढ़ जाता ऑप्शन सी। सी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न, ये खुद ही पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करो जल्दी। क्या टिक लगाएंगे जल्दी बताइए फास्ट। चैनल क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, कंपटीशन का माहौल बनेगा। मैं भी जो आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, उन सारे बच्चों तक पहुंचाओ जिनको वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आपका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा, उन बच्चों का फ़ायदा, आपने एक माध्यम के रूप में काम किया, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्कआउट इस पर भी हम लोग करेंगे, छोटी एनजीओ समझ लीजिए इसको। फ़ोन हाथ में नहीं रखेंगे, वॉइस असिस्टेंस से हो जाएगा क्या टाइप, हाँ ये बढ़िया है। अच्छा वह गाली वाली वाला बात नहीं है, ठीक है। तो राइट हैंड से देखो, कैन नॉट बी वॉर्न है तो कैन नॉट वियर हो जाएगा, वियरिंग सिर्फ आई एन जी से बनेगा नहीं, इज से बनेगा नहीं क्योंकि कैन है, कैन नॉट बी दोनों एक बार हो नहीं सकता, इलिमिनेट हो गया तीनों ऑप्शन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस। अगला क्वेश्चन, अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वॉज कलेक्टेड बाई, पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, सभी सोचो, वॉज कलेक्टेड बाई है तो वी टू से बनना चाहिए था, अब वी टू जहां पर है बना दो फटाक से जल्दी, बाकी सब इलिमिनेट कर दो। हाँ दिव्या, देखा मम्मी ही दर्द मेरा समझी, कि पढ़ाते पढ़ाते हम लोग थक जाते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलें। देखो YouTube पर सारी चीज़ें ओपन करके सरल तरीके पढ़ाते हैं हम लोग, कितना तारीफ़ करता हूँ मैं अपनी खुद की, नहीं आप लोग तो करने से रहे तो मैं ही करूँगा, करवा लो मुजरा मुझसे किसी दिन चलें। अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वॉज कलेक्टेड बाई द फार्मर्स वाइफ, तो V2 से बनेगा, ये V2 है नहीं, ये V2 है नहीं, ये V2 है नहीं, V2, ये है बात खत्म, सही हो गया आंसर। ऑप्शन डी पर टिक लगाते आगे बढ़ जाते, कितने लोगों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही है। देखो गुरांग सिंह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाइस, आते ही परफॉर्मेंस में दिख गई। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चंस बचे भी हैं। हाँ, हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाई यू, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई इलिमिनेशन में कोई सपोर्ट नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि कौन सही करता है तेजी से। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो मैं बताऊंगा, पैसिव वॉइस खुद है, एक्टिव में बनेगा, वॉइस से बना है, वी टू दिख रहा है कहीं, जहां वी टू दिख रहा है, वी टू है नहीं, वॉइस वी टू है नहीं, हाउ हट नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी सही। याद आ रहा, इतना इजी, ये इतना इजी, याद आया कुछ नहीं, हाउ डिड यू मैनेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड यू नॉट डिपॉजिटेड द स्कूल लेस, हैड के साथ किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, आप मुझे बताइए, हैड हैड बीन में बदलता है, हैड बीन किस में है जरा सोचिए बताइए।
why had you not deposited the school less? तो had है तो had been, had के साथ been तो ये दिख रहा, इधर had के साथ been दिख रहा, इधर had तो दिख रहा, been दिख रहा, इधर had been दिख रहा, यार सब तो सही लग रहा है मुझे, चारों में had been है। अब इसको करके देखा जाए तो देखेंगे कि सर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क में पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, इसमें पहले सब्जेक्ट आ गया इसलिए ये इलिमिनेट हो गया, इसमें भी पहले सब्जेक्ट आ गया इसलिए ये इलिमिनेट हो गया। चलो ऑप्शन बी और डी कट गया, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। तो वाई हैड द स्कूल्स फीस नॉट बीन डिपॉजिटेड, की फीस बीन डिपॉजिटेड बाय यू, तो नॉट गया कहां, नॉट तो हट नहीं जाएगा, नॉट तो रहेगा, तो नॉट इसमें था इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। किसने किसने सही किया था जरा दिखाओ तो मुझे, बिल्कुल सही है। ओके कोमल बहुत अच्छे, नाइस बहुत अच्छे, परफॉर्मेंस कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग क्या है। वी विल हैव सेलेक्टेड अ न्यू टीम बाय, वी विल हैव सेलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे, पैसिव वॉइस नहीं है ये एक्टिव है, एक्टिव को पैसिव में बदलना है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, सभी सोचो। अच्छा मैं हट जाता हूँ, ठीक है थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ, अब सही है दिख रहा है ना, करो करो फास्ट करो, कोई बात नहीं। गोरंग नॉट नहीं दिखा, एग्जाम में भी यही कह देना कि सॉरी सर नॉट नहीं दिखा था इसलिए हम नहीं निकाल पाए, ठीक है ऐसे थोड़ी होता है। सी पर टिक लगा दिया, बी पर टिक लगाया। विल हैव तो विल हैव बीन, विल हैव है तो विल हैव बीन, विल हैव बीन इसमें दिख रहा, विल हैव बीन इसमें दिख रहा, विल हैव बीन इसमें नहीं दिख रहा, या फिर विल हैव बीन इसमें दिख रहा, तो एक ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, ये तो क्लियर है कि सी नहीं होगा। हाँ तो अब देखें ज्यादातर लोगों ने किस पर टिक लगाया, कैसे सब एरर लग रहा। अब बाई मंडे शुरू में आ नहीं सकता इसलिए ऑप्शन ए, बाई मंडे शुरू में थोड़ी आ जाएगा, एक फॉर्मेट होता है ना सेंटेंस का, मैंने दो ऑप्शन हटा दिया, अब बताओ। चलो अब बी या डी में से कोई एक बताएंगे, तो अ न्यू टीम विल हैव बीन सेलेक्टेड बाई अस बाई मंडे, कॉमन सेंस कहता है कि बाई मंडे हट थोड़ी ही जाएगा, तो ये भी इलिमिनेट हो गया, कोई एक वर्ड पूरा थोड़ी हट जाता है पैसिव बनाते समय, यार ये तो कॉमन सेंस से सही हो गया, फिर भी बी सही लग रहा, बी ही सही है मैडम, 100% सही है, इसमें आपको सोचना नहीं था। आगे आइए, ही वॉज कॉट बाई पुलिस फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट्स, जरा इसको सही करके बताओ। पैसिव वॉइस ये खुद ही है, वॉज से बना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वी टू से बनना चाहिए था, हिंट कर दिया मैंने, जरा सोचो और बताओ मुझे। देखो तरीके पर जाओ, कोई भी क्वेश्चन धज्जियां उड़ाता गया हूं मैं, और ये सारे क्वेश्चन टीयर टू के लेवल के हैं, धज्जियां उड़ाता गया हूं, और वो भी बिना किसी रूल के, केवल एक तरीका इलिमिनेट कर दो, देखो कैसे सही नहीं होता। एक चार्ट याद रखो कि कौन किस में बदलता है, बस नरेशन भी इसी तरह से कराऊंगा चार्ट के दम पर, अभी बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कुछ दिनों से मैं पैसिव वॉइस की, तो इसलिए कि इसका एक फ्लो बन जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो खैर चलो ये क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद क्लास को बंद किया जाए, पढ़ने के मूड में हो, एरर के भी क्वेश्चन लगा दूँ। सर लास्ट साइड प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है, उनको पहले अलग कर लो। V2 से बनेगा, V2 किस में है, इसमें तो वॉज है, इसमें तो हैज है, इसमें तो वर्ब में ऐसे आ गया, सही इलिमिनेट हो गया, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्या बोली पब्लिक, समझ आया मेरी बात, समझे, बी ही सही है। लो लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसा तो कुछ खास था नहीं कोमल की स्क्रीनशॉट लेना पड़ गया आपको, ये सब चीजें मैं रीड करता हूँ कि कौन बंदा क्यों स्क्रीनशॉट ले रहा। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन करो, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन करो। डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड मेनी रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, डू इट फास्टर।
क्या आंसर पर टिक लगाया, जल्दी बताओ। तो अभी तक आंसर नहीं आया, चलिए मैं बता दूं, हैज रिड्यूस्ड है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन दोनों में से कुछ होगा। तो देखकर लग रहा कि इसमें कहीं पर हैज बीन हैव बीन नहीं है, ये इलिमिनेट कर दिया हमने। यहां पर हैज बीन हो रहा है, यहां पर हैव बीन हो रहा है, यहां पर फिर से हैज बीन हो रहा है। तो मतलब इन्हीं तीनों में से कोई आंसर सही है। अब इन्हीं तीनों में से जो आंसर सही है उस पर टिक लगाइए, जरा मैं भी देखूं कि किस पर टिक लगाते हैं। क्या टिक लगाया इस पर, सभी बताओ। तो बी पर टिक लगाया, क्यों बी पर टिक लगाया, एलिमिनेशन प्रोसेस से। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या कहता है, आइए चलिए देखते हैं कि भैया हैज था तो हैज बीन होना चाहिए था, रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, तो रेनफॉल ट्रॉपिकल लैंड्स हैव बीन रिड्यूस्ड थोड़ी हो जाएगा, ये तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड एंड कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन, तो होगा नहीं। राइट आंसर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता, अगला क्वेश्चन मैं सोचा था एरर के भी कुछ क्वेश्चन करा दूं, एरर के अगर बोलो तो 10 क्वेश्चन करा दिए जाए, अगर आप तैयार हैं तो हाँ बोलिए। 10 बच्चे हैं लाइव, हो अगर 10 क्वेश्चन करने के मूड में तो करा दूं, नहीं तो बंद करूं। क्या बोल रही पब्लिक, एक भी बंदा बोल दे करा दीजिए सर, तो मैं 2 मिनट का टाइम लेकर स्क्रीन पर ऐड कर दूं। जी एरर करा दीजिए, यस 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट। ओके तो शुरू करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं आपके सामने, देख लीजिए बड़ा अच्छा वर्ड आया है, प्रोलॉन्ग टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, नाम से ही लग रहा है यार, पढ़कर ही लग रहा है यार कि लॉन्ग है, काफी लंबा चले, टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग। जैसे कभी कभी बहुत सी पोएम्स या बहुत से गाने या बहुत सी कहानियाँ की एंड सो ऑन चलती रहती है ऐसे, तो उसके लिए एक प्रोलॉन्ग वर्ड यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ हमेशा निरंतर कंटिन्यू बनी रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए प्रोलॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं। पढ़कर समझ आ रहा, बिल्कुल क्लियर। एक वर्ड आ इंसुलेट करना, टू प्रोटेक्ट समबडी फ्रॉम द अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को अनप्लेजेंट चीज़ होने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको इंसुलेशन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा गैल्विनाइजेशन,
हमने लोहे के ऊपर ग्रीस लगा दिया, गैल्विनाइजेशन कर दिया ताकि उसके साथ कोई रस्टिंग का प्रॉब्लम ना आए, तो उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। मेरी बात समझ गए? तो एक वर्ड है गॉबल अप, टू यूज अप ऑल समथिंग वेरी क्विकली, निकल जाना, गप 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 खा जाना। मेरे सामने चाउमीन पड़ी है, मैं उसे गॉबल अप कर गया क्योंकि कोई और ना खा जाए, तो उसको बोलते हैं गॉबल अप करना। टू यूज अप ऑल द थिंग्स वेरी क्विकली सो दैट नोबडी कैन यूज एक्सेप्ट यू। वेहमेंट अभी बताया था मैंने, इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है भड़काऊ भाषण की वजह से आप उग्र हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेहमेंट। इसी के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड दिया था मैंने अभी, हैरेंग। तो कुछ वर्ड्स आंख के सामने से आते जाते रहने चाहिए, पांच वर्ड्स टच कर दिया मैंने। अब आइए हम लोग एरर के क्वेश्चंस पर चलें, ठीक है, तेजी से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे हो चुके हैं, नए क्वेश्चंस लाते हैं, ठीक है। 25वें क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन से आपको मिलेगा। हाँ, मीराबाई वॉज सेंट अवे फ्रॉम होम, घर से दूर भेज दी गई थी मीराबाई, बिकॉज शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन। जरा सोचिए और बताइए, सभी सोचिए बताइए। मीराबाई वॉज सेंट अवे फ्रॉम होम, दूर भेज दी गई थी, बिकॉज शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। यार देखो, एरर तो इसमें क्लियर दिख रहा है मुझे, पहली चीज की अगर ये सिंगुलर है तो स्पेंड नहीं स्पेंड्स होगा, और क्वेश्चन वॉज में पूछा है तो सी स्पेंड होगा कि सी स्पेंड्स, खर्चा करती थी तो शी यूज्ड टू स्पेंड, या फिर शी स्पेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा। सीधी बात के शी के साथ स्पेंड में एस लगना चाहिए था, ये एरर का पार्ट है, बात खत्म, टू ऑप्शन। आगे देखते हैं इसमें एरर क्या था। तो स्पेंड की जगह स्पेंट करेंगे क्योंकि पास्ट का फ्लो था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। द हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, बहुत सारी गलतियां दिख रही हैं, दो गलतियां तो मुझे ऐसे दिख रही है, जल्दी बताओ। जल्दी 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 फास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन का एरर है, सभी सोचो बताओ। दो वॉज क्यों, क्योंकि संस्कृत सिंगुलर लैंग्वेज है, विच वॉज स्पोकन की विच वर स्पोकन, तो बढ़कर ही पता चल रहा कि यार ये विच वर नहीं होना चाहिए था, विच वॉज होना चाहिए था। पहली चीज कि द हिंदी एंड मराठी दो अलग भाषाएं हैं, इनके लिए आर लगा है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज सिंगुलर है, विच जिसके बगल में होता है उसी को क्वालिफाई करता है, तो संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज होना चाहिए था, या फिर विच की जगह पर अगर आप दैट भी लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। विच वस्तु के लिए लगता है, दैट किसी एक्टिविटी के लिए लग सकता है, या फिर लैंग्वेज के लिए दैट लगाइए। विच छू सकने वाली वस्तु के लिए लगता है, हु सजीव चीज के लिए लगता है, यहां विच लगाना गलत है, यहां पर क्या लगाना चाहिए था, दैट लगाना चाहिए था। और दैट किसके लिए यूज हो रहा, संस्कृत लैंग्वेज के लिए, तो ये सिंगुलर है, तो दैट वॉज वंस स्पोकन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, विच वॉज, या फिर इसको विच से भी ज्यादा अच्छा क्या कर दो, दैट कर दो। दो गलतियां बताई मैंने, विच को दैट कर देना ज्यादा अच्छा है, चेयर के लिए विच यूज कर सकते हैं लेकिन संस्कृत के लिए विच यूज करना ज्यादा अच्छा नहीं है, उसके लिए दैट यूज करिए। एक और गलती इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि गौरांग ने बताया, सही बताया कि सर देखो इसमें एक और गलती है, वो गलती क्या है कि अगर दो भाषाएं हैं तो द हिंदी एंड मराठी में द नहीं लगाना है, क्योंकि किसी भी भाषा के साथ द नहीं लगता, ठीक है, याद रखिएगा, भाषा के साथ द नहीं लगता, सही आंसर है आपका, ठीक है। प्रेम गौरांग विदित इंडियन एयरफोर्स, कहाँ गई कोमल, मेरी बात समझ आई? चलो अगला क्वेश्चन। As much as I admire him for his sterling qualities, sterling शानदार को कहते हैं,
आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर हिज फ्रेंड. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सीधे सीधे दिख रहा है कि एरर क्या है. एरर एकदम क्लियर दिख रहा है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं देखा जा सकता एरर. अब आप सोचिए और बताइए किस पे टिक लगाया जाए. चैनल को फिर से कहूंगा मैं कि लाइक कर लो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहो. आधे घंटे में रतन सर की क्लास शुरू होने वाली है, मैं 5 मिनट में क्लास बंद करने वाला हूं. क्या आंसर पे टिक लगाया? विदित प्रेम गोरांक गोकारण, सॉरी गोरांक नहीं, गोकारण सिंह. गोकरण सिंह कैसे पढ़ेंगे इसको? जरा सही प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखिए. किसी ने आंसर नहीं दिया तो यार देखो, मतलब ये गलत होने के तो चांसेस नहीं थे. फॉर बींग अनफेयर फॉर हिज फ्रेंड्स, या अनफेयर टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था ना, कुछ तो होना चाहिए था ऐसा. तो बताएंगे हाउ एवर, हाउ सो एवर आई एडमायर हिम. देखो इस क्वेश्चन को समझो. एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज, आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बींग अनफेयर टू हिज फ्रेंड. एक तो ये गलती थी, दूसरी एज मच एज नहीं होगा, भले ही ऑल्दो वर्ड यूज करो, ठीक है, या फिर कोई और वर्ड यूज करना चाहो, हाउस हो एवर यूज करो, क्योंकि भले ही मैं उसकी एडमायरेशन करता हूं लेकिन फिर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता उसका अनफेयर होना फ्रेंड के लिए. तो ऑल्दो यूज करो या फिर हाउस हो एवर यूज करो, ठीक है. कुछ कंट्राडिक्शन पैदा करने के लिए हम अलग कंजंक्शन यूज करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा. Several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. जरा सोचिए और बताइए सभी की क्या होगा आंसर. सभी सोचिए और बताइए फास्ट, स्पीड बढ़ाइए क्लास में. इसमें सब लोग जो है एरर ढूंढो, बस बता रहा हूं मैं. तो क्या आंसर बताया? इज रिक्वायर्ड गोकरण सिंह, वेरी गुड, अब समझ गया मैं. चले तो इसका सही आंसर होगा, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग कि बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, इन्वेस्टिगेशन कमिटी के सामने अपियर होना है. टू द इन्वेस्टिगेशन, अपियर टू कि अपियर बिफोर, किसके सामने आना है? टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी. कोई आई एम गोइंग टू जंगल, ये जंगल है कि इन्वेस्टिगेशन कमिटी. जब कभी भी आप किसी चीज को फेस करने जा रहे हैं तो वहां पर बिफोर वर्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू नहीं लगेगा. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाउन इज नॉट वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा. जरा ढूंढो एरर और बताओ मुझे कि क्या एरर है, जल्दी से फास्ट. हाँ वेरी गुड गोकरण, बहुत अच्छा, नाइस. टू फेस, अच्छा ओके. सभी देखे, है
द टाउन इज नॉट वेल नोन एंड देर इजंट मच टू सी. द टाउन इज नॉट वेल नोन एंड देर इज नॉट मच टू सी सो अ फ्यू टेररिस्ट कम है. मेरी बात समझ आई? क्या होगा इसमें जरा बताओ, सोचो. ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं खुद छोड़ रहा हूँ, मैं थक गया. और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आज आप लोगों को सिखाई वो याद रखिएगा, ठीक है. फ्यू टूरिस्ट्स, देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि फ्यू टूरिस्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नहीं इसलिए लगभग न के बराबर. फ्यू और अ फ्यू में अंतर है. फ्यू लगभग न के बराबर निगेटिव का सेंस है, अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव का सेंस है. और यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है कि लगभग न के बराबर टूरिस्ट आते हैं क्योंकि वो उतना फेमस वेल नोन साइट नहीं है. इसलिए यहाँ पर अ फ्यू की जगह पर क्या होना चाहिए था, फ्यू टूरिस्ट्स कम है. मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूँ मैं? ना ना ना, फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस होता है. अब अगली क्लास में हम लोग जो है फ्यू अ फ्यू द फ्यू पर एक और डिस्कशन रखेंगे. ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस करते रहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगली क्लासेस में आपको कराया जाएगा. आज के लिए हम लोग इतना बस करेंगे, ठीक है. काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, काफ़ी अच्छा फ्लो गया आप लोगों का, अच्छी परफॉर्मेंस गई. ग्रामेटिकल एरर के बारे में एक अच्छी कोटेशन लगाई है मैंने, इसको पढ़िए. मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों की प्रोनंसिएशन इशू होगी, ठीक है. और कल की क्लास के लिए तैयार हो जाइए. अभी रतन सर की क्लास 5 बजे आपको लाइव मिलेगी, स्टैटिक जीकेज और जनरल अवेयरनेस के लिए. अ कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक फॉर इंग्लिश लर्नर्स इज फॉर देयर प्रोनाउंस एंड नाउंस टू डिसएग्री व्हेन डीलिंग विद सिंगुलर एंड प्लूरल एग्जांपल्स. द स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल इज दैट सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट गो विद सिंगुलर नाउंस एंड द प्लूरल प्रोनाउन मस्ट गो विद प्लूरल प्रोनाउंस. मैं इसको सरल भाषा में भी बता दूंगा, देख लो किताबी भाषा कैसी होती है, टीचर की क्यों जरूरत पड़ती है. एवरी बॉय मस्ट गिव साइन इन व्हेन दे अराइव की ही अराइव, क्योंकि एवरी का मतलब होता है एक. एक अगर नाउन सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होना चाहिए था. मतलब ये कहना चाहता था इस सेंटेंस के माध्यम से, आइए मैं बता दूं. एक मिनट लूंगा आपका और फिर क्लास खत्म करेंगे. मैं रहता तो इसको ऐसे समझाता कि अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, तो कॉमन सेंस. और अगर नाउन प्लूरल है तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे वो भी क्या यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे. जैसे मैंने कहा कि एक, अगर मैंने कहा कि वन गर्ल है, ये नाउन है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो शी या हर यूज होगा. अगर मैं कहूँ कि मेनी गर्ल्स हैं, ठीक है, अब इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी यूज प्लूरल होगा, तो देयर या दे होगा. यही चीज समझाना चाहता था. ये हुई हमारी क्लास आज की कंप्लीट. हाँ, गोकरण बहुत अच्छे है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, कमर कस लीजिए. अगली क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और वोकैबलरी, पैसिव वॉइस एरर के क्वेश्चंस और भी चीज़ें मिलेंगी आगे, ठीक है. सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इससे सीखते रहो, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आइडियाज़ आपके दिमाग में इस तरह से आने चाहिए जैसे हाथ में पूरी तरह से कैप्चर हो गया वो आइडिया, ठीक है. और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता, ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे कोटेशनल चीज़ें भी मैं लाऊंगा. अगली क्लास के लिए तैयार रहो. कहीं भी लगता है कि कोई क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए. हमारी टीम उसको ऑडिट करती है, रिव्यू करती है, हम लोग उस पर फीडबैक लेकर नई प्लानिंग करते हैं. सारे टीम मिलकर आप लोगों को फ्री में ढेर सारे कंटेंट्स और भी चीज़ें देती है. टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए और हमारी ढेर सारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. लगे रहिए, मुझसे पढ़ते समय कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, नोट्स बना लिया करिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. गोकरण विदित प्रेम, बहुत अच्छा लगा, लास्ट तक टिके रहे. अपना ये इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी देर टिका रहा, बाकी लोग आते जाते ही रहे, कोमल भी टिकी थोड़ी देर. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट.